एनीवेज मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। इंटर पास गौतम ने बना दिया है मिसाइल, वो मथुरा से बिलोंग करते हैं, तो चलिए जानते हैं इंटर पास गौतम कैसे मिसाइल बना सकते हैं। और इसके ऊपर इसरो ने भी टिप्पणी की है और हमारी केंद्रीय सरकार ने भी टिप्पणी की है, क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से उन्होंने मिसाइल बनाई है और इनके मिसाइल बनाने के पीछे किसका बड़ा हाथ है, सब चीजों के बारे में मैं आज की न्यूज भी आपको बताने जा रही हूँ। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। छतपुरा से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर गौतम चौधरी ने अपनी आईटी की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और उसके बाद उन्होंने पहले तो उन्होंने इंटर की, फिर इंटर कंप्लीट किया, फिर उसके बाद एक मिसाइल बनाने के लिए आईआईटी की भी पढ़ाई की। और हम आपको बता दें कि ये सब चीजें उन्होंने एक मिसाइल का मॉडल तैयार किया है जिसमें उनकी माता जी ने, उनकी मम्मी ने काफी ज्यादा सहयोग है उनका। उन्होंने अपनी पुरखों की जमीन बेच दी है इसके पीछे, जिसके ऊपर कम से कम उनको 23 लाख रुपया मिला है और उसी के साथ 4 लाख रुपया उन्होंने कर्ज भी लिया है क्योंकि वो अपने बेटे की उम्मीदों के ऊपर पानी नहीं फेरना चाहती थी। और इसके पीछे वो हमेशा ही, जैसे कि उसका जुनून था तो उनकी माता जी का भी वैसा ही जुनून बन गया कि उनका बेटा कुछ नाम कमाए, तो उसके साथ ही वो लग गई। और उसी के साथ गौतम ने भी कभी हार नहीं मानी। गौतम ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, एक ऐसा मिसाल तैयार किया है जिसके ऊपर हमारे इंडिया की इसरो भी टिप्पणी कर रही है। हमारे इसरो टिप्पणी कर रही है और हमारी केंद्रीय सरकार बोल रही है और उसको इस चीज को अभी, इस मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा। और टेस्ट करने के बाद अभी जो हमारी इंडियन आर्मी है उसको भी ये चीज बोला जा रहा है कि वो लोग भी इसको टेस्ट करके देखे। हम आपको बता दें कि ये जो मिसाइल बनी है ये 25 लाख रुपए में बनी है और उसी के साथ ये कम से कम 30 से 40 किलो की है और उसी के साथ ये 10 जगहों पर एक ही साथ फायर कर सकती है और इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। और हम आपको बता दें कि इसको बनाने के लिए काफी ज्यादा समय लगा, काफी ज्यादा दिमाग लगा और इसके लिए काफी ज्यादा उनको पापड़ बेलने पड़े, बहुत सारी चीजें करनी पड़ी, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ी। पर अभी सरकार ये चीज बोल रही है कि जो चीज गौतम ने बनाई है, जो मिसाइल गौतम ने बनाई है वो सच में काबिले तारीफ है। पर अगर ये चीज सक्सेस हो जाए, सक्सेस होने के बाद इसरो इसमें इसको यूज करेगा और उसी के साथ आर्मी वालों को भी बोला जा रहा है कि अगर वो लोग इस मिसाइल को यूज कर सकते हैं, अगर टेस्ट कर सकते हैं तो इस मिसाइल को वो टेस्ट जरूर करें क्योंकि ये हमारे जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आप लोगों को पता है कि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। अभी हाल ही में ही बहुत बड़ा एक ऐसा चीज सामने आया है कि जो कि कश्मीर के बॉर्डर से आया है, वहां पर हमारे जवानों ने वहां पर हमला बोल दिया है। उनका कहना ये है कि एक्चुअली में वहां से थोड़े टाइम पहले गोलाबारी हो रही थी, गोलियां चल रही थी जिसमें हमारे इंडिया के जवान भी 2 शहीद हो गए थे। उनका बदला लेने के लिए उन लोगों ने कम से कम 10 आतंकवादियों को वहां पर मारा है, पर उसके ऊपर पाकिस्तान कुछ अलग ही बोल रही है। तो ये ऐसी जो चीजें हमारे पास हैं, जो हमारे इंडिया के हीरे बना रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, हमारे इंडिया के बारे में सोच रहे हैं, हमारे इंडिया के इसरो के बारे में सोच रहे हैं, आर्मी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सच में काबिले तारीफ है। उन लोगों को ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और गौतम चौधरी ने ये सब चीजें जिस तरीके से की है, जैसा इनका जज्बा है कि इसरो में काम भी नहीं कर रहे, आर्मी में भी काम नहीं कर रहे, पर उनकी जो मेंटेलिटी है वो इसी में डूबी हुई है कि मुझे इंडिया के लिए कुछ करना है, ऐसा जज्बा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि दुनिया भर की खबर हम जल्द से जल्द आप तक लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।